आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लेडर सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड से रात भर बाधित रहा है हाईवे। तो 13 घंटे तक बंद रहा है चंडीगढ़ मनाली हाईवे और ऐसे में लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी के सहारे जल्द से जल्द मलबे को हटाने का काम भी जारी है ताकि जो रास्ते इस वक्त बंद हुए हैं उन रास्तों को खोला जा सके, जो यात्री फंसे हुए उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके और वो भी अपने घर वापस लौट सके। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली हाईवे 13 घंटे तक बंद रहा है। इस हाईवे पर रात भर ट्रैफिक बाधित रहा है। तकरीबन 13 घंटों के बाद इसे एक तरफा यातायात के लिए बहाल किया जा सका है। तो इस बात की जानकारी आपको दे दें कि इससे पिछली रात को भी यहां पर भारी लैंडस्लाइड होने से हाईवे रात भर के लिए बंद रहा था और इसकी चपेट में आए एक ट्रक और जीप भी इसी लैंडस्लाइड के दौरान मलबे में दब गए थे। इस बार कोई वाहन तो इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि कई यात्री घंटों तक फंसे रह गए क्योंकि यातायात भी, अगर आप इन तस्वीरों पर भी गौर करें तो आपको लंबी कतारें वाहनों की नजर आएंगी लैंडस्लाइड के कारण। हालांकि 13 घंटों का लंबा इंतजार